हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत दिनों बाद हम लोगों ने एक फैमिली ट्रिप प्लान की है। मैं और मेरे इन लॉज और हमारी बुआ जी, हम सब लोग कोटद्वार जा रहे हैं घूमने, सिद्ध बली मंदिर में, जो हनुमान जी का बहुत फेमस मंदिर है। मैं लाइफ में पहली बार कोटद्वार जा रहा हूँ, और वैसे भी हमको ये 6-7 साल पहले जाना था कोटद्वार, हमको वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना था मंदिर में, बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न हम लोग नहीं जा पाए। तो इस बार मैंने प्लान किया कि हम सब लोग इकट्ठे होके चलते हैं कोटद्वार। हम लोग अभी जो है नजीमाबाद पहुंच गए हैं। यहां से कोटद्वार 24 किलोमीटर है, जो कि लगभग 30 मिनट का आसपास उसमें समय लगेगा। और ये कोटद्वार से पहले पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ पे दोनों तरफ पूरा जंगल है, और वन विभाग की बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पर हाथी और गुलदार आने की संभावना है, तो गाड़ी धीरे चलाएं। और जंगल के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जंगल की, वो मैं आपको सुनाता हूँ वीडियो में, ये सुनिए आप। और ये कोटद्वार नजीमाबाद ब्रिज है, जो कि खो रिवर की ट्रिब्यूटरी के ऊपर बना हुआ है। और अभी हम कोटद्वार पहुंच गए हैं। ये कोटद्वार में हमने एंट्री करी है, और सामने आप रोड के उस तरफ देख सकते हैं पहाड़ दिख रहे हैं, और वो जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था, ब्रिज के भी लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा पहाड़ इलाका दिखता है कोटद्वार का, और वहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है वो। और अभी यहाँ जो हम पहुँचे हैं, यहाँ से राइट हैंड पर सिद्ध बली का मंदिर है, जो कि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है। हमें दौराला से कोटद्वार पहुँचने में 3 घंटे लगे, जिसका डिस्टेंस है लगभग 125 किलोमीटर। हम लोग बीच में नहीं रुके, बट रास्ता जो है सिंगल लेन है। और ये सिद्ध बली मंदिर सामने आप देख सकते हैं उल्टे हाथ पे पहाड़ी के ऊपर, और ये जो है कोटद्वार का पुल है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए सिद्ध बली कोटद्वार। अनुरोध से हेलो हेलो। और जो है गाड़ी पार्किंग में, बाकी लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं मंदिर की एंट्री पे। वहाँ चल के दिखाता हूँ आपको, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गाड़ी आई हुई है, काफ़ी भीड़ है पार्किंग में। सामने ये पहाड़ है। आज ट्यूसडे का दिन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमने सोचा कि चलने से पहले थोड़ा नींबू पानी सिकंजी पी लेते हैं। तो हम सब लोगों ने सिकंजी पी ली है, ये बहुत बढ़िया सिकंजी बना के दी इन्होंने 30 रुपये में। ये दुकान बिल्कुल मंदिर के सामने ही है, और ये अंकुल और सब लोग लगे हुए हैं लाइन में। ये मंदिर के सामने का गेट है, ये इसी गेट से ऊपर जो है सारा सीढ़ियों का रास्ता है। और फाइनली मंदिर की लाइन में लग गए हैं। मंदिर की एंट्री से पहले बहुत सुंदर ये दो पेंटिंगें बनाई हुई हैं, हैंडमेड पेंटिंगें हैं ये बहुत सुंदर, जिसमें हनुमान जी को दिखाया गया है बाल रूप में। जय हो बाबा की। अनिरुद्ध चलो चलो। अनु लाइन में
इधर आ जाओ लाइन में। बुआ जी आ गई, आगे चलो। अंकल इसको अन्नू को साथ ले लो दो मिनट। लेने गए ये बबूत। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये शिव मंदिर है और उसके बराबर में हमारे चारधाम यात्रा के जो मंदिर हैं उनके वुडन डिज़ाइन रखे हुए हैं, वो सेल के लिए भी अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है वो। छूना नहीं बेटा, छूना नहीं। शिवालय निर्माण, शिवालय आ जाओ। सिद्ध बली धाम क्या है ना? आ जा बेटा। जोर से मारेंगे? नहीं नहीं यहाँ पर लोग नंदी के कान में अपनी इच्छाएं कह रहे हैं ताकि भगवान जी उन इच्छाएं को पूरा करें। आप देखिए और मंदिर में ही भंडारा लगता है। ये जो आप सामने लाइन देख रहे हैं ये भंडारे की लाइन है, वो सामने किचन है जहाँ भंडारे का प्रसाद का वितरण होता है और सारे लोग नीचे बैठ के यहाँ खाते हैं। और ये भंडारा मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन होता है जिस दिन हनुमान जी की पूजा होती है, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और इस लंगर का या भंडारे का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, प्रसाद भले ही इसमें एक घंटे तक लग जाता है, हमको तो लगे थे इसमें लगभग 45 मिनट हमें लगे थे इसमें हमारा नंबर आने में, पर लोग बहुत ही श्रद्धा भावना से लाइन में लगे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं अपना नंबर आने का। ये सामने किचन है जहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता है। सबसे पहले यहीं लाइन में लगे लगे आपको प्लेट दे दी जाएगी, प्लेट लेके आप अपने लाइन में आगे चलें। सामने प्रसाद के लिए आपको वहाँ हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगी, दाल मिलेगी, कढ़ी मिलेगी, राजमा छोले मिलेंगे, चावल मिलेगा, रायता मिलेगा। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद है, हम सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। इतना प्रसाद इतना स्वादिष्ट है कि मैं दो बार लेके आया और मन नहीं भरा। और ये देखिए सब लोग कैसे प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं सब। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और सामने ही पीने का पानी है। मैं तो सभी हनुमान जी के भक्तों को कहूँगा कि एक बार यहाँ मंदिर ज़रूर आएँ, सिद्ध बली मंदिर कोटद्वार। और फ्रेंड्स थैंक यू, अब मैं चलता हूँ, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।